नई वर्षीय पार्टी की तरफ से आगे बढ़ेगी। पहले तो पूरे देशवासियों को नव वर्ष का शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ और सभी को सुख समृद्धि यह 2024 लेकर आए। और 2024 में हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी 12 जगह से लोकसभा चुनाव, जिसमें कि लोकसभा भदोही और लोकसभा मिर्जापुर दो के प्रत्याशी हमारे घोषित हो चुके हैं और आगे के लिए कार्रवाई किया जा रहा है, तलाश किया जा रहा है और बड़े धूमधाम से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अच्छा काम करके जो है प्रदर्शन करेंगे। बड़े मजबूती से देखा जाए तो रामपुर गंगा घाट पर पक्का पुल को लेकर दिनों आपने आवाज़ उठाई। हाँ, रामपुर घाट के पक्का पुल के लिए हमने जिलाधिकारी महोदय भदोही से मिला और उनको पत्र दिया कि क्यों जो है अभी तक विलम्ब हो रहा है, काम शुरू नहीं हो रहा है। निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर रविशंकर उपाध्याय जी से फोन पर बात करके हमने उनको पूछा कि क्यों अभी शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि सब पास हो गया है कुछ मंत्रालय से पैसा, लेकिन अभी जियो नहीं आया है, जियो आ जाता है हम शुरू कर देते हैं पक्का पुल के लिए, रामपुर घाट के लिए। यही बात हमारी उनकी हुई है। सर्वप्रथम मैं सर्व समाज जनहित पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को कोटि कोटि धन्यवाद देंगे और नए वर्ष के उपलक्ष्य में उनको बधाई देंगे। ईश्वर से कामना करते हैं कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सर्व समाज जनहित पार्टी जो कि बाबू विभूति नारायण सिंह के नेतृत्व में हम लोग कार्यकर्ता के रूप में, सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं और हमारा मुख्य व्यवस्था है अध्यक्ष के आदेशानुसार वहीं से और मिर्जापुर से प्रत्याशी लोकसभा के लिए खड़े हो चुके हैं। आगामी अध्यक्ष जी के आदेशानुसार 12 प्रदेशों में चुनाव लड़ाने के हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं और पूर्ण रूप से लोगों को चुनाव लड़ाने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ जनता को हम धन्यवाद भी देंगे। धन्यवाद।